हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है देखिए, मार्केट में यही बोर्ड सबसे ज़्यादा मिलता है जो कि इंटेक्स का कॉपी है। अगर आप 2.1 का कोई होम थिएटर बनाना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस बोर्ड का वायरिंग बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 12012 लिखा है, तो यहाँ पर हमारा ट्रांसफार्मर का कनेक्टर लग जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 पिन है, तो इसमें ट्रांसफार्मर का पिन लगेगा। इस बोर्ड का आईसी नंबर 2030 है दोस्तों, जो कि मार्केट में यह बोर्ड आपको आसानी से मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो स्पीकर होता है छोटा छोटा, वो स्पीकर यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर लिखा भी है SP करके, तो ये आपका स्पीकर सैटेलाइट हो गया। इसका जो बीच का पिन है वह ग्राउंडिंग हो गया, और लेफ्ट राइट वाला पिन आपका स्पीकर हो गया। अब आप सीधा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वूफर लिखा है, मतलब कि यहाँ पर आपका सब वूफर लगेगा। तो ऊपर का जो ये दोनों पिन है, ये सब वूफर का हो गया, सब वूफर का वॉल्यूम हो गया। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है 3 पिन है, देखिए इसके नीचे में यहाँ पर 3 पिन है, तो ये तीनों पिन बेस का हो गया। देखिए यहाँ पर बेस लिखा है, तो यहाँ पर बेस के तीनों वायर को एक ही लाइन से आपको लगा देना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बचा हुआ है ये हमारा वॉल्यूम वाला कनेक्शन है। तो यहाँ पर वॉल्यूम का कनेक्शन किस तरह से होगा, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये ट्रांजिस्टर IC है दोस्तों, जो कि 7805 का है। इस IC को आपको बोर्ड में अलग से लगाना होता है, और इसके साथ में हमें एक छोटा सा कैपेसिटर भी लगाना होता है, 100 UF 16 वोल्ट का। अगर आप इस कैपेसिटर को ना भी लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन यदि आप इसे लगा देते हैं तो यह आपके सेफ्टी के लिए ही है। और हमें यहीं पर एक जीनर भी लगाना होगा 5.1 का। तो आप जीनर और इस कैपेसिटर को यहाँ पर लगाएंगे तो भी अच्छा है, ना लगाएंगे तो भी चलेगा। और इस बोर्ड का जो 2030 IC होता है वह ज़्यादा हीट होता है, तो आपको इसके हीट सिंक को अच्छे से टाइट लगाना है। यहाँ पर यह हीट सिंक अगर अच्छे से यहाँ पर टाइट लगा रहेगा तो यह IC को ज़्यादा हीट नहीं होने देगा।